भाई दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि बैंक नंबर 1 और से लेके 8 तक की जो टोन्स हैं वो मैं आपको अभी इस कंटिन्यूली सुनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बैंक दिखाऊंगा। मेरे जो जो बैंक तैयार हो गए हैं, जो जो टोन्स मेरी बन गई हैं, मैं उनका डेमो आज आपको दे रहा हूँ। CTX 9000 कैसी होगा, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था कि इसकी जल्दी आप टोन भेजें, तो आइए आपको टोन थोड़ा थोड़ा डेमो दे रहा हूँ, आइए सुनते हैं। पहले नंबर पे स्ट्रिंग है, बीच में कोशिश करूंगा जो कंपनी ने रिदम दिया है मैं वो भी उसके साथ आपको सुनाऊं। सेक्सोफोन, ये रोलैंड की तरह थोड़ा सा मैच कर रहा है ये। नेक्स्ट है हमारा ओबेशन आई। नेक्स्ट में हमारा है प्लक टोन, जिसे मैंने नाम दे रखा है फिल्मी रबाब। ये प्लक का टोन है ये भी। नेक्स्ट में हमारा है हारमोनियम।
आगे लास्ट में हमारा है बैंक का वाइब्रोफोन। दोस्तों मैं नेक्स्ट बैंक में आ गया हूँ, बैंक नंबर टू। और पहले की तरह सभी जैसे कीबोर्ड में करता था एक्सप्रेस 10 या 30 में एक नंबर पे स्ट्रिंग रखता, इसमें भी मैंने एक नंबर पे स्ट्रिंग रखी हुई है। और ये देखिए और नेक्स्ट टोन जो है हमारी ये एक्सप्रेस 30 में एक सिंथ का एक पार्ट है, कुछ वैसे कोशिश करिए बनाने की मैंने। नेक्स्ट में हमारा है जो काफी फेमस हुआ है लोगों में, जो आजकल लोगों की डिमांड रहती है, बेंजो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम टू सेम है क्योंकि सैम्पलिंग नहीं है सिस्टम इसके अंदर बनाया है, ट्राई करी है। अगर आपको कोई कमी पेशी लगे या कुछ ऐसा लगे तो मुझे जरूर बताएं मैसेज में, आइए मैं सुनाता हूँ आपको। महाराजा बैंड जो एक्सपेक्ट 10 और 30 में भी मेरा फेमस है। नेक्स्ट में हमारा है संतूर। इसके अंदर दोस्तों मैंने संतूर के साथ एक ट्रिमल का भी मैंने साउंड दे रखा है हल्का सा, आप इसमें ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पे आइए दोस्तों, यह है माई गिटार जो 10 और 30 के अंदर भी था, कुछ लगभग वैसे ही है, कंप्लीट वैसा नहीं है। Thank you.
दोस्तों नेक्स्ट में हमारा है ब्रास। दोस्तों नेक्स्ट में है सारंगी। दोस्तों हम चलते हैं हम नेक्स्ट बैंक में, इसमें हम आपको बताएंगे बैंक नंबर 3 में है, बैंक नंबर 3 चल रहा है, वही सभी में स्ट्रिंग है शुरू में, और इसमें मैंने एक टोन दिया है ट्रम्पेट का, ये देखिए। दोस्तों नेक्स्ट में है ये सिंध का इफेक्ट है, ये भी शान नाम दे रखा मैंने इसका। नेक्स्ट में हमारा है बैक पाइप। अभी फिलहाल मैंने बैक पाइप का नाम दे रखा है, लेकिन मैं इसका नाम को थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा सा इसके अंदर और कुछ मैं बदलाव लाऊंगा। आइए सुन के देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में हमारा है टंग नोट। ये टंग नोट यूज होता है जो फिल्मों में भी बजा सकते हैं, काफी चीजों में बजा हुआ है। नेक्स्ट में हमारा है ये एक क्लैरिनेट का और साथ में एक्सपेक्ट 30 के सिंध का मिला के टोन बनाया गया। ओल्ड फ्लूट भी बोल सकते हैं इसे, जैसे बना हुआ है।
नेक्स्ट में हमारा है सिंथ पैड का, ये भी टोन है हमारा, ये मैंने साथ में स्पार्नो ले रखा है, स्पार्नो ट्रम्पट मिक्स है ये। नेक्स्ट में हमारा है स्वर मंडल, दोस्तों अब नेक्स्ट बैंक में चलते हैं, बैंक नंबर 4 में आ गए हैं, वही सभी में स्ट्रिंग है, सभी के अंदर देख लीजिए। आइए नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये हमारा है सितार, इस तरफ मैंने तानपुरा दे रखा है, जैसे चलते हैं फ्लूट में, चलते हैं, ये हमारा है डबल अकॉर्डियन, डबल रीड के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी हमारा एक सिंथ लीड का टोन है, आइए सुन के देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है, ये अभी थोड़ा अनकम्प्लीट है, अभी फुल कम्प्लीट नहीं है, अभी इस पे मेरा काम चलना बाकी है,
क्योंकि बाकी कंप्लीट हो गए थे, ये टोन अभी थोड़ी सी रह गई, मैं फिर भी सुना देता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोनो के अंदर बजी हुई है, कॉर्ड नहीं बजेगा इसके अंदर, कॉर्ड नहीं बजता। थोड़ी अनकम्प्लीट है, अभी तैयार नहीं है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, कनेक्ट का मैंने बना रखा है टोन, उसके अंदर भी मैंने अभी बास स्प्लिट के अंदर नहीं लगाया है, अभी लगाना बाकी है। लास्ट में चलते हैं, ये हमारा है बेल टोन के नाम से मैंने इसको एक टोन बना रखा है। दोस्तों अभी मैंने सिर्फ इसके चार बैंक ही बनाए हैं और अभी बाकी कुछ थोड़ा सा बाकी रहता है काम, तो मैं धीरे धीरे आपको डेमो देता जा रहा हूँ। तो आपकी राय जो जरूर मुझे आती रहे, आपकी जो जो भी आपकी बात आपने कहनी है उसे पूछना है वो उसे पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहें अपनी सलाह देना चाहें वो बता सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं अभी इस पर काम चला रहा हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि चार बैंक मैंने बनाए हैं इसके। आपकी राय मुझे जो है मुझे व्हाट्सएप पे जरिए मुझे दीजिए, जानकारी दीजिए। ये मैंने जो टेक्निक लगाई है वो आज भी मैं फिर बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ रोलैंड की टेक्निक लगाई है, क्योंकि लोगों की डिमांड है सर। हालांकि कैसियो कीबोर्ड का अपना एक अलग टेस्ट है, इसका अलग फ्लेवर है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है सर रोलैंड XPX10 या XPX30। तो जिनके पास ये कैसियो है वो ढूंढते हैं इसी के अंदर रोलैंड वाली टोन। तो वो तो मैंने पहले ही बोला था कि वो आपको 100% तो नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको फ्लेवर उसका जरूर मिलेगा। मैंने वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अब चार बैंक मैंने जो दिए हैं ये काफ़ी हद तक रोलैंड की टोन मैंने जो टेक्निक लगाई वही लगाई है, और ये मैं आपको अपना इस चीज़ का दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक किसी ने शायद कोशिश नहीं करी होगी। हाँ, लोग अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगी। काफ़ी लोग अच्छे म्यूजिशियन हैं, टोन बनाने वाले हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं, वो बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बना सकता हूँ, किसी और को नहीं आती है, और भी बना सकते हैं। मैंने जो तरीका लगाया है अभी फ़िलहाल किसी ने नहीं बनाई है, अभी फ़िलहाल मैंने ही बनाई थी, और अभी मैं चार बैंक मैंने बनाए हैं। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टोन हो सकेगी पूरा बैकअप जो ज़रूरत होती है जिस स्टेज पर बजाने के लिए वो टोन मैं सभी बना के दूंगा। कुछ चीज़ें लोगों की फरमाइश आती हैं वो नहीं मैं बना पाऊँगा उसके अंदर, वो फैसिलिटी मेरे को नहीं मिल रही इसमें कुछ। तो थोड़ा सा जो टोन का जो फ़र्क आता है वो मैंने बताया कि आएगा हल्का सा, कैसियो में वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश है कि जो लोगों की दिमाग में बात चल रही होती है कि सर सैक्सोफोन वैसा बजना चाहिए, बैंजो वैसे बजनी चाहिए, बाकी जो मैं बजा के दिखा रहा हूँ ये आप कहें जी आप बजा रहे तो हमसे नहीं बज रहा, अगर आपको टोन मंगवाते हैं तो देखिए भाई सर थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, टेक्निक की ज़रूरत है, तरीका है। हमने भी पूरी उम्र गुजार दी इस लाइन के अंदर, आज टेक्निक थोड़ी सी हमें थोड़ी सी मिली है, तरीका मिला है इतनी कोशिश के बाद। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो अभी मेरे चार टोन्स आई हैं, तो मैं बाकी टोन्स आपको जल्दी ही आपको मैं इस वीडियो के जरिए इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर मैं डालूंगा। तो अभी मैं बैंक बना रहा हूँ, करीबन मेरे को हफ्ता एक 10 दिन चाहिए हो। अभी मैं बैकअप किसी को नहीं दूंगा, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, अभी मैं बैकअप दूंगा नहीं क्योंकि अभी अनकम्प्लीट है। ये सिर्फ चार बैंक बनाए हैं मैंने, अभी पांचवा छठा बैंक अभी लगा हुआ और अभी अधूरा है वो, अभी मैं इसलिए सुना नहीं रहा। तो वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, 6 या 7 बैंक मेरे बन जाएंगे तो मैं आपको जरूर मैसेज करूँगा। तो आप फिर जो भी मेरे से टोन मंगवाना चाहे बहुत कम रेट के अंदर मैं टोन दूंगा आपको, और साथ में इसका मैं आपको एक पैरामीटर दूंगा जो लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है। लेयर के अंदर आपको पैरामीटर दिया जाएगा, वो आपको घर पे पढ़ के उसको वैसे ही लेयर लगा के वही नंबर की आपको टोन लगानी है, और कितना उसका
वॉल्यूम या ऑक्टेव कितना करना है, कि उसमें कितना इफेक्ट लगाना है, तो सब उसमें लिखा हुआ होगा, वो मैं साथ में दूंगा आपको, ताकि आपको सेम टू सेम चीज़ मिले। बाकी वॉल्यूम लेवल आपने जो करना है, रखना है, ऑक्टेव रखना नहीं रखना, वो आपको जो अच्छा लगे, सूट लगे, वो आप कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटी दे रखी है, अगर मैं आपको सिंगल टोन दूंगा तो वो सिंगल लेयर वाली टोन जाएगी, तो उससे आप निराश हो जाएंगे कि सर हमें वो चीज़ नहीं मिली। इसलिए मैं जो टोन भेजूंगा उसके साथ पैरामीटर का एक पूरा एक लिखा हुआ कागज आपको जो उसका पोस्ट किया जाएगा, जहाँ कि आप पढ़ के आप उसको बना सकें टोन ऐसा। तो अभी मेरी यही टोन है, आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी। जो भी मुझे अगर आप अपनी राय देना चाहें मुझे जरूर दीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और खूब चलाएं मेरा चैनल, आपकी दुआ से खूब चल रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग। और जल्दी इसके बाद जब मेरी टोन आ जाएगी, बिल्कुल मेरा तैयार है लगभग एक्सपेक्टेशन का, वो मेरा उम्मीद है कि जून या जुलाई के अंदर अंदर वो नया बैकअप आ जाएगा, वो लेटेस्ट बैकअप है बिल्कुल। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।